तो बिल्कुल स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद है और मैं उनसे अब आग्रह करूंगा कि स्वामी जी आए और विधिवत हमारी इस पदयात्रा की शुरुआत करें। स्वामी जी आपका स्वागत है एबीपी गंगा में और आज से हम पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी शुरुआत आप करवाएंगे। हरिद्वार में हम मौजूद हैं और जिस संत परंपरा से आप आते हैं वो अपने आप में महान है और हम जनता की आवाज़ उठाने आए हैं, तो आपसे आग्रह है कि हम इसकी विधिवत शुरुआत ज़रूर करवाएँ। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। जिस माँ गंगा को भगवान शिव ने अपने जटा में रखी, आज उस गंगा की पावन पुनीत निर्मलता को और इसकी अखंडता को, उनकी स्वच्छता को और इनकी पुनीत पवित्रता को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से एबीपी गंगा ने आज पदयात्रा का कार्यक्रम रखा है, मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के लिए यह एक प्रेरणादायक है। तो बिल्कुल स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी मेरा अब आपसे आग्रह है कि हमारी इस पदयात्रा की विधिवत शुरुआत करवाएं और हम गंगा की स्वच्छता निर्मलता की बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव भी आने वाले हैं और लोगों के जो असल मुद्दे हैं वो भी हम लोग लगातार उठा रहे हैं। जी, भारतीय संस्कृति का यह एबीपी का पहल, एबीपी गंगा का पहल, मुझे लगता है भगीरथ प्रयास है ये। जी बिल्कुल जी, आइए तो शुरुआत करते हैं। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्कार। एबीपी गंगा इस पदयात्रा की शुरुआत आज से कर रहा है और उत्तराखंड से होकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे और आम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। राजेंद्र देव है, आस्था है, प्राची है, स्नेहलता है और स्वामी जी के साथ हम अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जी, सबसे पहला सवाल आपसे, देखिए अब हमने आपसे अध्यात्म की बात की लेकिन अध्यात्म और राजतंत्र दोनों साथ साथ चलते, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक गुरुओं की जो संत परंपरा रही है हमारी, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी हमेशा से रही है कि जन जागरण करना, लोगों की समस्याओं को उठाना। तो चुनाव अब आ गए हैं, स्वामी जी क्या लग रहा है? हालांकि राजनीति से आपको ऐसा कोई वास्ता नहीं है लेकिन आम जनता से तो आपका वास्ता है। संपूर्ण भारत के जो जनमानस है उनको अपना वोट का अधिकार है जी, और उनका जो वोट है वो एक ऐसे स्थान पर ऐसे व्यक्ति को और ऐसे समाज के संरक्षण करने वालों को प्राप्त हो जिससे भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके, राष्ट्र की रक्षा हो सके, समाज की रक्षा हो सके, नैतिकता मौलिक सिद्धांतों की रक्षा हो सके। एबीपी गंगा का जो भगीरथ प्रयास है ये अगाध, अडिग और सुदृढ़ रहे, परिपक्वता को प्राप्त हो। स्वामी जी अब लगातार हम बात कर रहे हैं, अब हमारी ये लगातार ये पदयात्रा जारी रहेगी, कई दिनों तक जारी रहेगी। गंगा ने तो सबको सब कुछ दिया, कई नेता आए, कई चले गए और कई अभी आएंगे, लेकिन माँ गंगा के प्रति जो जिम्मेदारी थी, खास तौर पर हम अगर उत्तराखंड की बात करें, उनकी बात करें, तो क्या नेताओं ने भी माँ गंगा को वो दिया, क्या लगता है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, मुझे लगता है आज माँ गंगा के प्रति लोगों का जो समर्पण हुआ, गंगा के प्रति जो लोगों के भाव हुए वो आज दिखाई पड़ रहा है। आज हमारा यूथ जो हमारी 21वीं सदी है उनमें भी आज आस्था की एक प्रवाह चल पड़ी है। आज सुबह 9 बजे से गंगा पूजन एबीपी गंगा ने रखा और आचार्य निरंजनी पीठाधीश्वर प्रातः 5 बजे उठ करके अभिषेक करके तैयार हो करके 8:40 पर गंगा पर, गंगा के पावन तट पर हर की पौड़ी आ गया। तो इसका अर्थ कहीं न कहीं पहल की शुरुआत तो हो गई है। इस अखाड़े परंपराओं में सबसे युवा आचार्य बना मेरे पहले, मुझे लगता है कि इतिहास में अब तक कोई हमारे उम्र का निरंजनी का आचार्य नहीं बना होगा, निरंजनी का आचार्य नहीं बना होगा। मुझे लगता है कि एक प्रेरणा है। गंगा को साफ करने के अभियान बहुत जोर शोर से चलाए जा रहे हैं, अखाड़ों की इसमें क्या भूमिका है और आने वाले समय में हम और क्या व्यापक प्रयास देखेंगे? आस्था, क्योंकि तुम्हारा नाम आस्था है तो इसलिए तुम्हारा नाम लेते ही एक आस्था जगती है, तो उसी प्रकार गंगा, गंगा माँ है, गंगा का नाम लेते ही माँ का भाव आता है, भावो मिच्छति देवता।
कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए, माँ कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं होती। गंगा के पावन तट में आकर कितनी भी कोई गंदगी कर जाता है, माँ किसी को कभी श्राप नहीं देती है, माँ उसको वरदान ही देती है। मुझे लगता है कि चुनाव की तो बिगुल आपने बजाया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आस्था का बिगुल है ये। गंगा के तट पर जो व्यक्ति बैठकर ध्यान करता है उसको ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, या जो ज्ञान मार्ग से गंगा को देखता है उसको ध्यान की ओर प्रेरणा मिल जाती है। जनता वोट जरूर करे, ये मुझे लगता है हमारे संतों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व पर जनता ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो। इस अभियान की शुरुआत भी आप जरूर करें। बिल्कुल, वोट एक कर्म पूजा है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्तव्य और अपने कर्म का पहचान होना चाहिए। तो वोट हमारा अधिकार है, वोट हमारी एक मौलिक सिद्धांत है। वोट से हम कोई भी न चुके हैं और वोट हमारा कभी खराब न जाए, हमें इसका दोनों का ध्यान रखना है। चले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस यात्रा की विधिवत शुरुआत की। मैं पूरी एबीपी गंगा टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। माँ का आशीर्वाद, माँ गंगा का आशीर्वाद इन्हें मिले। और इनका जो भगीरथ प्रयास है वो राष्ट्र को लेकर के है, चुनाव को लेकर के है, गंगा को लेकर के है। दोनों स्वच्छ रहे, दोनों पवित्र रहे। और हमारे साथ गंगा सभा से जुड़े हुए भी तमाम लोग